हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ गाजर के लड्डू। वैसे भी अभी गाजर का सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों के लिए गाजर की कोई रेसिपी लेकर आती हूँ। तो आइए हम गाजर का लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ईजी और टेस्टी रेसिपी है। इसको घर पर आप आसानी से बना सकते हैं। गाजर के लड्डू बनाने के लिए मैंने आधा किलो गाजर लिए, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक कटोरी मैंने चीनी ली है, एक कटोरी मैंने नारियल का भूरा लिया है, एक कटोरी में मैंने बारीक कटे हुए काजू लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने काजू को किस तरीके से काटा है। आप भी काजू को बारीक काटिएगा, ज़्यादा बड़े मत रखिएगा। एक कटोरी में मैंने एक चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, यदि आप मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते तो मत कीजिएगा, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से लड्डू से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है। मैंने दो इलायची को छीलकर उसको कूट लिया है। घर का बना इलायची पाउडर है, आप चाहे तो मार्केट का इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर के बने इलायची पाउडर से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। अब हम गैस पर मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे। गाजर को एक बार चम्मच से अच्छे से हिला लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम एक कटोरी चीनी डालेंगे। यदि आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इस चीनी को गाजर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। चीनी गाजर के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। आप देखेंगे कि गाजर ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इस गाजर को मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इसको बीच बीच में चेक करते जाएंगे और इसको हिलाते भी जाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि गाजर हल्की सी पक गई है और चीनी भी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम नारियल का भूरा डालेंगे, मिल्क पाउडर डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे, बारीक कटे हुए काजू डालेंगे। अब इन सबको गाजर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देखेंगे कि ये सब गाजर के साथ अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसमें हम ऑरेंज फूड कलर डालेंगे थोड़े से पानी के साथ, जिससे कि लड्डू का कलर अच्छा आ जाए। अब इस ऑरेंज फूड कलर को हम इस गाजर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको ढककर नहीं रखना है, इसको हम 2 मिनट के लिए रख देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। दो मिनट हो गए। 2 मिनट बाद हम इसमें एक चम्मच मलाई डालेंगे। यदि आप मलाई की जगह घी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें एक चम्मच मलाई की जगह घी भी डाल सकते हैं। अब इस मलाई को गाजर के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। मलाई का गाजर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसको आधे मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। गाजर को आधे मिनट बाद हम इसको एक बार अच्छे से हिला लेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसको हम एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप देखेंगे कि गाजर के लड्डू बनाने के लिए हमारा गाजर का डो बनकर तैयार है। इसको हम पूरी तरीके से ठंडा नहीं करेंगे, हल्का सा कुनकुना रहने देंगे। गाजर का डो हल्का कुनकुना हो गया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा गाजर का डो हाथ में लेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ के लड्डू बना सकते हैं, छोटे या बड़े। मैं लड्डू मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। एक लड्डू बनकर तैयार है। अब इसी साइज़ में हम सारे लड्डू बनाकर रख लेंगे। हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार है। अब इसको हम चांदी की परत और पिस्ते के साथ गार्निश करेंगे।
वाओ, हमारे गाजर के लड्डू बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि गाजर के लड्डू दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी आपको उतने ही टेस्टी लगेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से इस गाजर के लड्डू की रेसिपी को ट्राई कीजिए। वैसे भी अभी गाजर का सीजन चल ही रहा है और मैंने गाजर का हलवे की रेसिपी भी मेरे चैनल में डाली हुई है, आप यदि देखना चाहें तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। जल्दी से इस रेसिपी को बनाइए, फैमिली बच्चों और फ्रेंड को टेस्ट कराइए और मुझे बताइए कि लड्डू की रेसिपी आप सभी लोगों को कैसी लगी। यदि आप सभी लोगों को मेरे गाजर के लड्डू की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरी सारी रेसिपी आप सभी लोगों के पास आ जाएंगी और इसी तरीके से मैं हेल्दी टेस्टी इजी रेसिपी आप सभी लोगों के लिए लाती रहूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय।